आप देख रहे हैं शर्मा स्नैक से भर मिसरौल चतरा। तो आज हम पहुंचे हैं चतरा से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर, ये सरेंदाग है ना। हाँ। सरेंदाग नहीं, यहाँ पे कोई सांप है, टंकी में गिरा हुआ है, चलिए देखते हैं। इसमें है? हाँ, इसी में। देखिए उधर, हाँ सांप दिख गया है। ये वाटर स्नेक है लेकिन बहुत ही बिग साइज है, तो इसे हम निकालते हैं उधर से। तो सांप ये टंकी में है और इसके अंदर जाना होगा तभी रेस्क्यू हो पाएगा। खड़ा हो जाए, पकड़ के रखे ना, पकड़ के रखें। नहीं 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 हम हैं ना, वहीं से तो हो जाता। शायद ये कुछ खा लिया है इसीलिए। मेंढक मेंढक, हाँ बड़ा सा मेंढक है ना। गाड़ी में जो है ना थैला होगा, लेके आइए। कौन सांप है? ये वाटर स्नेक है, इसमें जहर नहीं होता है लेकिन काटने बहुत तेज होता है, ठीक है ना। तो सांप अगर काट ले तो झाड़ फूक के चक्कर में ना रहे हैं। तो इसे हम पैक करते हैं और बाहर लेकर आते हैं। नेट के जमाना है। तो इसे बाहर लेकर चलते हैं और अभी इसे बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो खाया है ना ये मुंह से निकाल देगा। तो इसे बाहर रखेंगे। तो पुणे इसे पर्यावरण के हवाले करने आ गए हैं और ये काफ़ी उग्र है तो इसे ज़्यादा छेड़ना उचित बात नहीं है। इसे हम पर्यावरण के हवाले करते हैं, अपन नेचर में चला जाएगा, क्योंकि मेरा तो काम है जिस तरह का जीव जंतु हो, जहरीला सांप हो या नॉन वेनेमस हो, तो उसे रेस्क्यू करना और फॉरेस्ट में रिलीज करना। तो इसे हम आजाद करते हैं, नजर में चला जाएगा, क्योंकि थोड़ा भारी भरकम हो गया है। तो दोस्तों जो वाटर स्नेक था उसे हिंदी में घुड़िया सांप बोलते हैं, उसे हम रिलीज कर दिए, अपना नेचर में चला गया। तो काम अगर मेरा अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।